तो प्रीवियस वीडियो में या फिर प्रीवियस लेक्चर में तुम लोगों ने एलगी की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। एलगी के अपने पूरी प्रॉपर्टीज का पढ़ के खत्म कर दिया था। अब अपन पढ़ेंगे यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ एलगी, मतलब एलगी क्या इंसानों के लिए बेनिफिशियल है या एलगी से अपने को कुछ फायदा हो सकता है। चलो अपन उसके बारे में देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ एलगी की कि क्या अपने लिए एलगी फायदेमंद है, हाँ या नहीं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तुम लोगों को बताता हूँ कि अपने एटमॉस्फेयर में, अपना जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में लगभग आधे से ज्यादा CO2 फिक्सेशन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, अपने एटमॉस्फेयर में आधे से ज्यादा CO2 फिक्सेशन करने का काम करते हैं एल्गे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोगों को याद रखना है, सभी लोगों के काम का पॉइंट है। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन, यूजफुल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एल्गे की, कि एल्गे क्या अपने लिए, इंसानों के लिए कोई बेनिफिशियल है, क्या इनसे अपने को कोई फायदा हो सकता है। तो सबसे पहला फायदा पूरे इन्वायरमेंट को होता है। क्या होता है कि ये लगभग आधे से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का ये फिक्सेशन कर देते हैं एटमोस्फियर में। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे इसमें हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन, हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन इज डन बाय एल्गे, एल्गे बाय फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान दोगे फर्स्ट पॉइंट की तरफ अपन देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि अपने एटमॉस्फेयर में का आधा, लगभग आधा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन करता है? तो लगभग अपने एटमॉस्फेयर का आधे से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं एल्गे। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये लोग फिक्सेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का? तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला यूजफुल प्रॉपर्टी। सेकेंड यूजफुल प्रॉपर्टी अपन देखते हैं एक और चीज, जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो तुम लोगों को पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। अपन रिएक्शन कैसे लिखते हैं? लिखते हैं CO2+H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव C6H12O6+O2। तो क्या मैं बोलूंगा, क्या मैं कहूंगा कि क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो इन लोगों का एक इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करना एटमॉस्फेयर में। ये एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? देखो इनके दो काम है। सबसे पहला काम क्या कि ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देंगे, जो ज्यादा वादा कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस के थ्रू ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे। पर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे तब यहाँ पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को बैलेंस करके रखेंगे या फिर एक अच्छे अमाउंट में बना के रखेंगे। तो अपन सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट अपन लिखेंगे यहाँ पे इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ O2 इन द एटमॉस्फेयर। तो ये लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो लेवल है इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने एल्गे की, अच्छी बेनिफिशियल या यूजफुल प्रॉपर्टीज पढ़ी। तीसरी प्रॉपर्टी बताता हूं कि कुछ कुछ एल्गे को खाया जाता है, कुछ कुछ एल्गे को खाया जाता है, मतलब वो कैसे एल्गे होते हैं, एडिबल एल्गे होते हैं। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। थर्ड प्रॉपर्टी है कि यूज्ड एज फूड। ये जो एल्गे है किसकी तरह यूज होते हैं? फूड की तरह यूज होते हैं। कई कई लोग एल्गे खाते हैं, कुछ कुछ एल्गे को खाया जाता है। अब कौन से एल्गे को खाया जाता है चलो देखते हैं अपन। तो इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है इसके, एक पोरफायरा है, पोरफायरा नाम की एक एल्गे है जिसको खाया जाता है। फिर इसके बाद है लैमिनेरिया और एक है सरगासम। चलो तो सभी लोग ध्यान दोगे, तो ये मैंने तीन कुछ ऐसे एल्गे का नाम लिखा है जो जिनको खाया जाता है, मतलब ये तीनों के तीनों एल्गे को मैं बोल सकता हूँ ये कैसे एल्गे है, ये इडिबल एल्गे है, मतलब ये कुछ ऐसे एल्गे जिनको खाया जा सकता है। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं अपन। अब ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। कुछ कुछ एल्गे जो है, पहले तो तुम लोग को बताता हूँ, आगे चल के तुम लोग एल्गे के तीन टाइप पढ़ने वाले हो। आगे चल के तुम लोग एल्गे के तीन टाइप पढ़ोगे। कौन से तीन टाइप पढ़ोगे मैं बता देता हूँ। एक होते हैं ग्रीन एल्गे, एक होते हैं ब्राउन एल्गे और एक होते हैं रेड एल्गे। तो आगे चल के तुम लोग एल्गे के तीन टाइप पढ़ने वाले हो। एक है ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे। इन लोग का अलग अलग नाम भी होता है। ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइट से बोला जाता है, ब्राउन एल्गे को फियोफाइट से बोला जाता है और रेड एल्गे को रोडोफाइट से बोला जाता है।
तो क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कि ये जो एल्गे है ये आगे चल के तीन टाइप्स होते हैं इसके, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे। इसमें से जो ब्राउन एल्गे होते हैं और रेड एल्गे होते हैं, इन लोगों के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स करके इनके पास, कोलॉइड्स करके, हाइड्रोकोलॉइड्स करके ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में क्या पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये हाइड्रोकोलॉइड्स का काम क्या होता है, तो ये हाइड्रोकोलॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर, या फिर इन स्ट्रक्चर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, पानी को बहुत टाइम तक के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी क्या है एल्गे का, कि एल्गे में कुछ कुछ एल्गे ऐसी एल्गी होती है जिसे अपन ब्राउन एल्गे या रेड एल्गे बोल सकते हैं। और ये जो ब्राउन और रेड एल्गे होते हैं इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बुलाता है हाइड्रोकोलॉइड्स। और ये हाइड्रोकोलॉइड्स क्या करता है, तो ये हाइड्रोकोलॉइड्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनमें, ये क्या कर सकते हैं, पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। तो चलो अपन फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, कि सर्टेन सर्टेन मैराइन, मैराइन मतलब पानी में समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी, सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गे, सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। अब ये हाइड्रोकोलॉइड्स क्या है, तो ये वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोकोलॉइड क्या है, तो ये वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है, तो ये है वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर है। चलो तो अपन ने चौथा पॉइंट देखा, अपन ने फोर्थ पॉइंट क्या देखा, कि कुछ कुछ एल्गे जो होती है ये कैसी एल्गे होती है, कुछ कुछ एल्गे ऐसी एल्गे होती है जैसे रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे, कुछ ऐसे एल्गे होती है जिनके पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बुलाता है हाइड्रोकोलॉइड्स। और ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। चलो अब इसमें से भी पता है तुम लोगों को बताता हूं, इधर ध्यान देना, मैंने ये जो बताया था हाइड्रोकोलॉइड्स जो वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर है, इसमें से ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे में कुछ एग्जाम्पल है तो देखते हैं अपन। तो ब्राउन एल्गे में एक एग्जाम्पल है जिसको, जिसका नाम है अल्गिन, अल्गिन एक एल्गे है जो एक ब्राउन एल्गे है, ब्राउन एल्गे, और इसके साथ साथ कोराजिन, कोराजिन जो है ये रेड एल्गे। तो चलो इधर ध्यान दोगे तुम लोग, सभी लोग इधर ध्यान दो, तो ब्राउन एल्गे में एल्गिन नाम का स्ट्रक्चर होगा जिसे अपन हाइड्रोकोलॉइड बोल सकते हैं, और रेड एल्गे में कोराजिन नाम का स्ट्रक्चर होगा जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकोलॉइड बोल सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर होंगे, ये स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज है इसमें। अगला पॉइंट पता है क्या है, तो दो एल्गे है जिनका नाम है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, दो एल्गे है जिनका नाम है जेलिडियम, एक एल्गे का नाम है जेलिडियम और एक एल्गे का नाम है ग्रैसीलेरिया, ग्रैसीलेरिया। ये जो दो एल्गे हैं ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रिलीज करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है अगार। ये जो है ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम की चीज है, मैंने बोला यहाँ पे ये दो एल्गे है, एक एल्गे का नाम है जेलिडियम और एक एल्गे का नाम है ग्रैसीलेरिया। अब ये जो दो एल्गे हैं, ये एल्गे क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर रिलीज करते हैं या फिर एक इंपॉर्टेंट चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसको बुलाता है अगार। अब इस अगार का काम क्या है तो मैं बताता हूं, ये अगार का काम ये है कि ये अगार आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाना पड़ता है, आइसक्रीम और आइसक्रीम की वो जो क्रीम रहती है और जेलीज बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाना पड़ता है ना, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाने के लिए इस अगार की जरूरत पड़ती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि जेलिडियम और ग्रैसीलेरिया ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एल्गे है, या फिर ये मेरे लिए कैसी एल्गे, कमर्शियल एल्गे है, क्योंकि मैं इनसे कमर्शियल प्रोडक्ट बना सकता हूँ, आइसक्रीम्स बना सकता हूँ, जेलीज बना सकता हूँ। तो क्या किया जाता है, जो जेलिडियम है या ग्लैसिलेरिया है इनके पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है अगार, या फिर इनके पास एक चीज पाई जाती है इनके बॉडी में, इनके स्ट्रक्चर में, जिनको बोला जाता है अगार। ये अगार क्या करता है तो मैं लिख देता हूँ, अगार आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। ये क्या करते हैं, तो ये माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं, और किस चीज के लिए, ताकि अपन आइसक्रीम बना सके और जेलीज बना सके। एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, आइसक्रीम्स
एंड जेलीज। चलो तो ध्यान दोगे तो अपन ने क्या देखा, अपन ने कुछ ऐसी एल्गीज के बारे में देखा, अपन ने कुछ ऐसी एल्गी के बारे में समझा जो क्या बनाने में हेल्प करेंगे, जो आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए मदद करेंगे। इसीलिए इन एल्गी को अपन कमर्शियल एल्गी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे अपन कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, पैसे ऐसा प्रोडक्ट बना रहे जिनसे अपने को पैसा मिल सकता है। अगला और सबसे लास्ट पॉइंट एल्गी का एक यूजफुल प्रॉपर्टी है, कई एल्गे पता है क्या होते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे तुम लोग तो, कई एल्गे ऐसे एल्गे होते हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं, मतलब एल्गे के अंदर बहुत अच्छे मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब पता है क्या किया जाता है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेस में जाते हैं रिसर्च करने के लिए या फिर उनके काम के लिए स्पेस में जाते हैं। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, वो लोग पता है नॉर्मल अपना खाना सब्जी रोटी दाल चावल ये सब लेके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये खाना लेके जाएंगे तो पता है क्या होता है, ये खाना खाएंगे, ये खाने को पचाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, पचाने के बाद वेस्ट बनेगा, वो वेस्ट कहाँ रिलीज करेंगे, तो ये सब बात आती है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ सोर्स लेके जाते हैं जिनको अपन ने खाया और फटाक में से प्रोटीन मिल गया मेरी बॉडी को। मैंने अभी ग्लैसरी ये कुछ एल्गे खाया और एल्गे खाने के बाद मेरे को क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया। तो क्या करूंगा मैं, ऐसी चीज लेके जाऊंगा बाहर, अगर मेरे को स्पेस में जाना है। स्पेस ट्रैवलर्स क्या करते हैं, जब स्पेस ट्रैवलर बाहर जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, अपने साथ कुछ एडिबल एल्गी लेके जाते हैं, और कुछ ऐसी एल्गी लेके जाते हैं जो प्रोटीन रिच हो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। तो ये लोग क्या करेंगे, खाना लेके नहीं जाएंगे, एल्गी लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको खाने से जैसे वो उनको खाएंगे तो उनको क्या मिल जाएगा, उनके बॉडी में प्रोटीन मिल जाएगा, और जब इनको प्रोटीन मिल जाएगा उस एल्गी से तो क्या होगा, प्रोटीन के हेल्प से उनकी बॉडी को सही तरीके से न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखोगे तो क्लोरेला नाम की एक यूनिसेल्युलर एल्गे। यूनिसेल्युलर एल्गे का मतलब क्या होता है, यूनिसेल्युलर का मतलब होता है सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है सिंगल सेल। तो ऐसी एल्गे जिसमें सिंगल सेल पाया जाता है उसका एक एग्जांपल है क्लोरेला। और क्लोरेला जो होते हैं ये प्रोटीन रिच होते हैं, मतलब इनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो इन एल्गे को खाया भी जाता है और स्पेस ट्रैवलर स्पेस में लेके भी आते हैं ताकि इसको यूज कर सके और प्रोटीन ले सके। चलो तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्लोरेला आर रिच इन प्रोटीन, इनमें प्रोटीन सही मात्रा में पाया जाता है, और साथ ही साथ में एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर। चलो तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इस पॉइंट को समझते हैं। मैंने लिखा कि क्लोरेला क्या है, तो क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर एल्गे है, मतलब एक सिंगल सेल एल्गे। ये जो एल्गे इसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, बट ये जो एल्गे है ये एल्गे कैसी है, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ये प्रोटीन रिच एल्गे है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है। और ये जो एल्गे होती है इन एल्गे को स्पेस ट्रैवलर, मतलब जो इंसान स्पेस में जाते हैं रिसर्च करने के लिए उनके काम के लिए, वो लोग इस एल्गे को लेके जाते हैं ताकि इसमें प्रोटीन इनको मिल सके। तो एल्गे जो होते हैं ये तीन टाइप के पाए जाते हैं। चलो अपन देखते हैं, इधर ध्यान दोगे तुम लोग तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल्गे, और यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एल्गे के बारे में। तो एल्गे जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स। तो मैं लिख देता हूँ, तीन टाइप्स की एल्गे होती है। सबसे पहली जो एल्गे होती है इनको बोला जाता है क्लोरोफाइसे। फिर सेकेंड जो एल्गे होती है इनको बोला जाता है फियोफाइसे, और फिर जो होते हैं उनको बुलाता है रूडोफाइसे। चलो तो ध्यान दोगे तुम लोग सभी, मैंने क्या बोला कि एल्गे जो होते हैं वो तीन टाइप के पाए जाते हैं। अब देखते हैं कौन से एल्गे। तो एल्गे जो होते हैं वो तीन टाइप के पाए जाते हैं, एक एल्गे को बुलाता है क्लोरोफाइसे, एक को बुलाता है फियोफाइसे, और एक को बुलाता है रूडोफाइसे। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ ये नाम इनके ऐसे क्यों रखे और किस बेसिस पे रखे। तो क्लोरोफाइसे जो होता है ये होता है ग्रीन एल्गे, मतलब अगर तुम लोगों को ग्रीन कलर की एल्गे दिख रही है देन दिस ग्रीन एल्गे इज नोन एज क्लोरोफाइसे। क्लोरोफाइसे कौन से एल्गे को बोला जाता है, ग्रीन एल्गे को बोला जाता है। फिर इसके बाद फियोफाइसे जो होते हैं, फियोफाइसे होते हैं ब्राउन एल्गे, ये ब्राउन कलर के दिखते हैं इसलिए इनको फियोफाइसे बोला जाता है, ब्राउन एल्गे बोला जाता है। और जो रूडोफाइसे होते हैं, रूडोफाइसे जो होते हैं ये होते हैं रेड एल्गे। तो ध्यान दोगे तुम लोग यहाँ पे जो टाइप्स पढ़ रहे हो एल्गे के,
तुम लोगों ने यहाँ पे जो एल्गी के मैंने बताया कि एल्गी तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे और रोडोफाइसे। ये तीन टाइप किस बेसिस पे है? कलर के बेसिस पे है, और कुछ प्रॉपर्टीज भी इनकी अलग अलग है, बट मेनली क्या है, कलर है। तो जो क्लोरोफाइसे है ये ग्रीन कलर के एल्गी होते हैं, सबसे पहली चीज। सेकेंड चीज, जो फियोफाइसे है ये ब्राउन कलर के एल्गी होते हैं, और जो रोडोफाइसे है ये कौन से एल्गी होते हैं, रेड एल्गी होते हैं। तो चलो अब अपन एक एक करके ये तीनों टाइप के एल्गी को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो अपन एल्गी पढ़ेंगे ये एल्गी है क्लोरोफाइसे। सबसे पहला जो एल्गी तुम लोग पढ़ोगे, ये जो एल्गी तुम लोग पढ़ोगे ये नाम है क्लोरोफाइसे। क्लोरोफाइसे को तुम लोग ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हो। चलो तो क्लोरोफाइसे के बारे में तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब इससे पहली चीज मैं तुम लोगों को इससे पहले कुछ चीज बता देता हूँ। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में एक पर्टिकुलर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे बुलाता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल के हेल्प से क्या करते हैं, क्लोरोफिल के हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ये लोग क्या कर पाते हैं, फूड बना पाते हैं। अब तुम लोगों को बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक तरीके का पिगमेंट है। जो कैसा पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और क्योंकि ये पत्तियों में पाया जाता है तो पत्ती भी हरी कलर की दिखती है अपने को। तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो मेनली पत्ती में पाया जाता है। इससे क्या होता है, तो इससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब तुम लोगों को बताता हूं, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये चार टाइप का होता है। कौन से टाइप का, तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, और क्लोरोफिल डी होता है। सभी लोग ध्यान से सुनना कि क्लोरोफिल क्या है। तो कोई भी बोलेगा व्हाट इज क्लोरोफिल, मैं बोलूंगा क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो मेनली प्लांट्स में पाया जाता है। क्या काम है क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल जो है ये एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अब एक और चीज तुम लोग को ऐड करना है यहाँ पे कि क्लोरोफिल जो होता है ये चार टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। तो चार टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे तुम लोग याद कर सकते हो कि कौन से एल्गे में कौन सा क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट है। तो सबसे पहली चीज पता है, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे और रोडोफाइसे, तुम लोग जब भी एल्गे पढ़ोगे तो एल्गे को इसी सीक्वेंस में याद रखना। सबसे पहले याद रखना, पहले जो एल्गे अपन ने पढ़ा है वो कौन सा एल्गे होना चाहिए, ग्रीन एल्गे। फिर सेकंड एल्गे कौन सा होना चाहिए, ब्राउन एल्गे। और थर्ड एल्गे होना चाहिए, रेड एल्गे। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, इस तरीके से याद रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस सीक्वेंस से तुम लोग क्लोरोफिल पिगमेंट को समझ सकते हो। चलो मैं बताता हूँ क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में। तो क्लोरोफाइसे जो होता है, क्लोरोफाइसे में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्लोरोफाइसे में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। फियोफाइसे जिसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। और जो रोडोफाइसे होता है, रोडोफाइसे में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। तो देखो तुम लोग याद कैसे रख सकते हो, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम लोगों को याद रखना है कौन से एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो देखो इधर ध्यान दोगे, सीक्वेंस याद रख लेना। सबसे पहले ग्रीन एल्गे, फिर याद रख लेना ब्राउन एल्गे, फिर याद रख लेना रेड एल्गे। ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइसे बुलाया जाता है, ब्राउन एल्गे को फियोफाइसे बुलाया जाता है, और रेड एल्गे को रोडोफाइसे बुलाया जाता है। अब क्लोरोफिल जो होते हैं, इसमें चार पिगमेंट पाए जाते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। इस तरीके से चार क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जाते हैं। अब इसमें भी पता है क्या होता है, अलग अलग एल्गे में अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। याद कैसे रखोगे, तो सबसे पहले क्लोरोफिल ए इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। तो तुम लोग तीनों में लिख देना क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ये पहली चीज। और फिर इसके बाद क्या लिख देना, ऊपर से सबसे ऊपर बी लिख देना, सी लिख देना, डी लिख देना। तो पता चल जाएगा कि ग्रीन एल्गे में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ब्राउन एल्गे में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है, और रेड एल्गे में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। इसीलिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि ये सीक्वेंस याद रखना, सबसे ऊपर ग्रीन एल्गे, फिर ब्राउन एल्गे और फिर रेड एल्गे। तो चलो अब अपन सबसे पहले पढ़ना चालू करेंगे क्लोरोफाइसे के बारे में, जिसको ग्रीन एल्गे बोला जाता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्लोरोफाइसे में, फर्स्ट पॉइंट तुम लोग क्या बोल सकते हो, पहला पॉइंट तुम लोग खुद ही बोल सकते हो कि क्लोरोफाइसे आर ग्रीन एल्गे। ये कैसे एल्गे, तो ये ग्रीन एल्गे। अगला पॉइंट तुम लोग क्या लिख सकते हो, मैं इनके अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, देखना ध्यान देना। मैंने लिखा है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इन लोगों की जो प्लांट बॉडी होती है ये कैसी होती है, ये होती है यूनिसेलुलर। मतलब ये जो क्लोरोफाइसे ये कैसे होंगे, ये यूनिसेलुलर होंगे, इनमें सिंगल सेल पाया जाएगा, ये कॉलोनियल होते हैं। अब कॉलोनियल मतलब क्या, चलो इसको समझते हैं। और मैंने लिखा ये फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस।
चलो तो इसके बारे में अपन समझते हैं, सब लोग ध्यान दोगे। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है क्लोरोफाइसे में। पहला पॉइंट तो तुम लोग इजीली बोल सकते हो कि क्लोरोफाइसे कैसे एल्गी है, क्लोरोफाइसे ग्रीन एल्गी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन लोगों की प्लांट बॉडी कैसी है, इनकी बॉडी होती कैसी है। तो पहली चीज, ये लोग कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब ये सिंगल सेल एक सेल से मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट, ये लोग कॉलोनियल होते हैं। अब तुम लोग को कॉलोनियल मतलब समझाता हूं। कॉलोनियल का मतलब होता है कि ये जो क्लोरोफाइसे नाम की एल्गी है, ये कॉलोनीज बना के रहती है। मतलब एक एल्गी कभी नहीं पाई जाएगी, ये बहुत सारी एल्गी एक साथ पाई जाएंगी। इंसानों को देखा है अपन लोग कैसे रहते हैं, अपन लोग कॉलोनी बना के रहते हैं। अरे एक इंसान क्या एक जगह पे है, फिर बहुत सारी जगह छोड़ के दूसरा इंसान दूसरी जगह पे। अपन ऐसा नहीं रहते, अपन लोग कॉलोनीज में रहते, कॉलोनी बना के रहते। उसी तरीके से ये जो क्लोरोफाइसे है, ये क्लोरोफाइसे की जो प्लांट बॉडी है, ये यूनिसेलुलर है, मतलब ये सिंगल सेल से मिलके बने हुए, और ये कॉलोनियल है। कॉलोनियल है इसका मतलब क्या, ये कॉलोनीज में रहते और इनके पास फिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं। चलो तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। फिर अगली चीज, नेक्स्ट चीज, इन लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जो कलर होता है, ये कलर होता है ग्रास ग्रीन कलर। इनका जो कलर होता है, एक ऐसा कलर होता है, ये कलर होता है ग्रास ग्रीन कलर। और ये ग्रास ग्रीन कलर पता है क्यों होता है, मैं पहले तो तुम लोग को चीजें बता देता हूँ। पता है कोई भी चीज अगर अपने को कलरफुल दिख रही है, प्लांट्स में, प्लांट के केस में तुम लोगों ने फूल देखा है, पत्तियां देखी कलरफुल, इवन फ्रूट्स देखे कलरफुल, या फिर कुछ भी चीज अगर तुम लोग को प्लांट में कलरफुल दिखती है, तो प्लांट में अगर चीजों की या स्ट्रक्चर के कलर है, तो पता है क्यों है, क्योंकि प्लांट में कलरफुल पिगमेंट पाए जाते हैं। प्लांट के अंदर क्या पाए जाते हैं, कलरफुल पिगमेंट पाए जाते हैं, और उस पिगमेंट के कारण अपने को कलर दिखता है। गाजर हरे कलर, अपने को गाजर जो है, कैरेट जिसको बोलते हैं अपन, कैरेट जो होता है वो अपने को लगभग लाल या फिर ऑरेंज कलर का दिखता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बुलाते हैं कैरोटीन। याद रखना, क्योंकि कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं प्लांट में, क्या होता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और पिगमेंट के वजह से प्लांट में क्या होता है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर का कलर होता है। कई प्लांट की पत्ती अलग कलर की दिखती है, कई प्लांट के फूल अलग कलर के दिखते हैं, कई प्लांट के फ्रूट अलग कलर के दिखते हैं। कलर क्यों अलग अलग दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट है, और जो पिगमेंट उनके पास होगा उसके कारण वो कलर दिखेगा। तो अपन ने सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, क्लोरोफाइसे में, क्लोरोफाइसे या ग्रीन एल्गे में मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है कि ये जो कलर होता है इनका, एक ऐसा कलर होता है ग्रास ग्रीन कलर होता है। अब ग्रास ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि इनके पास में पिगमेंट पाया जाता है। और कौन सा पिगमेंट होता है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। तो ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग, इधर ध्यान दोगे मैंने क्या लिखा है पॉइंट, सभी लोग ध्यान देना। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो क्लोरोफाइसे नाम के जो एल्गे होते हैं, ये कौन से कलर के दिखते हैं, ये दिखते हैं अपने को ग्रास ग्रीन कलर के, मतलब जो हरी कलर की ग्रास होती है, जो घास होती है, घास के कलर के दिखते हैं। अब क्यों दिखते हैं घास के कलर के, क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट, तो इनके पास क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। और क्योंकि ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट इनके पास ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये लोग कौन से कलर के दिखते हैं, ग्रास ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी है क्लोरोफाइसे की। अब तुम लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, क्या चीज पता होना चाहिए, चलो सुनो सभी लोग ध्यान देना, कि तुम लोगों को मालूम है कि अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो क्लोरोफिल कहाँ होता है, वो क्लोरोफिल एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, अगर मैंने बोला कि कोई प्लांट है और प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो चलो अगला पॉइंट अपन क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड देखेंगे। अपन लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अभी भी अपन ग्रीन एल्गी के कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, तो अपन लोग यहाँ पे ग्रीन एल्गी के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। तो अगला पॉइंट क्या है कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं अलग अलग ग्रीन एल्गे में। क्या क्या शेप हो सकते हैं, तो एक शेप होता है प्लेट लाइक शेप, अगला शेप होता है कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, एक होता है स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट, और एक शेप होता है रिबन शेप।
चलो तो ये सब मैंने क्या लिखा है, पहले तो चीज एक चीज तुम लोगों को क्लियर कर लेना है कि प्लांट के पास क्या होता है। प्लांट के पास होता है क्लोरोफिल। प्लांट के पास क्या पाया जाता है, प्लांट के पास पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है ये क्या करने में मदद करता है, ये करने में मदद करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल हेल्प करता है अपने को। अब ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोफिल एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहता है, और ये क्लोरोफिल जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो होता है ये एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको बुलाता है क्लोरोप्लास्ट। और ये जो ग्रीन एल्गे अपन पढ़ रहे हैं, इस ग्रीन एल्गे में अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं, अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। कई बार प्लेट प्लेट जैसे शेप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, कप के शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कप जैसे दिखने लायक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, स्पाइरल शेप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, या फिर रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। तो ये हो गई अपनी अगली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन लोगों के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, या फिर इन लोगों के बॉडी में एक स्टोरेज ऑर्गन होता है, स्टोरेज ऑर्गन होता है, और इस स्टोरेज ऑर्गन को बोला जाता है पायरेनॉइड। इस स्टोरेज ऑर्गन को बोला जाता है पायरेनॉइड, और ये भी प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। चलो तो इसके बारे में अपन समझते हैं, तो क्या है ये, चलो इधर ध्यान दोगे तुम लोग। तो ये जो होता है, सभी लोग 2 मिनट रुक जाओ, इसको समझाता हूं मैं। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ कुछ ग्रीन एल्गे में क्या होता है, कुछ कुछ ग्रीन एल्गे में स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट रहती है, मतलब फूड को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट रहती है। तो ग्रीन एल्गे के अंदर जो स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट रहती है, इस स्टोरेज बॉडी को बोला जाता है पायरेनॉइड। क्या बोला जाता है स्टोरेज बॉडी को, पायरेनॉइड बोला जाता है। और ये पायरेनॉइड कहां प्रेजेंट रहता है, तो ये पायरेनॉइड प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोगों को सभी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रीन एल्गे के अंदर फूड स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह प्रेजेंट है। कौन सी है वो जगह, उस जगह को बोला जाएगा पायरेनॉइड। और ये जगह पायरेनॉइड कहां पे प्रेजेंट है, तो ये पायरेनॉइड प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये क्या करता है पायरेनॉइड, तो ये पायरेनॉइड इसके अंदर स्टार्च को स्टोर करके रखता है। पता है क्या होता है, कुछ कुछ एल्गे क्या करते हैं, तो कुछ कुछ एल्गे फूड को स्टोर करते हैं अपने बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो अगला पॉइंट अपन लिख देते हैं कि क्या लिख रहा हूं मैं, सम एल्गे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। चलो तो अपन ने दो चीज देखा है जिसके थ्रू ये लोग क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं। पहली चीज क्या कि इन लोग के पास या तो एक स्टोरेज बॉडी होंगी, स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे पायरेनॉइड। ये कहां पे प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट में, पहली चीज। और ये क्या स्टोर करता है, तो ये स्टोर करता है स्टार्च को। दूसरी चीज क्या कि कुछ कुछ एल्गे में क्या होता है, तो कुछ कुछ एल्गे में ये लोग फूड को स्टोर करते हैं, बट किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो ये अपने दो पॉइंट हो गए एल्गे एल्गे के। अब अगर मैं बात करूं एल्गे की, तो एल्गे की जो एल्गे जो होते हैं किसके अंदर आते हैं, एल्गे आते हैं प्लांट किंगडम के अंदर। एल्गे किसके अंदर आते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं। क्योंकि ये प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं, तो इनके पास क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। चलो तो अपन इनके सेल वॉल के बारे में देखते हैं। तो एल्गे में मैं लिख सकता हूं ग्रीन एल्गे हैज रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल मतलब इनके पास एक सेल वॉल पाई जाती है, एक ताकतवर सेल वॉल पाई जाती है, जिसमें से इनकी जो इनर लेयर रहती है, जो सेल वॉल की जो अंदर की लेयर होती है, ये सेल्यूलोज से बनी होती है। इनर लेयर इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। और अगला पॉइंट अपन लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कि आउटर लेयर इज मेड ऑफ पैक्टोज। चलो तो ये पॉइंट को भी समझेंगे, इस पॉइंट को भी देखते हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे कि ग्रीन एल्गे जो होते हैं, ग्रीन एल्गे में क्या पाया जाता है, ग्रीन एल्गे में सेल वॉल पाया जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार क्यों सेल वॉल पाया जाता है, क्योंकि एल्गे क्या है, एल्गे प्लांट किंगडम का एक टाइप है, प्लांट किंगडम की एक कैटेगरी है, और प्लांट है मतलब प्लांट में क्या पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा। अब इनमें सेल वॉल कैसी होती है, तो सेल वॉल जो होती है उसके दो लेयर्स होते हैं, जो अंदर की लेयर रहती है जिसको अपन इनर लेयर बोल सकते हैं, ये इनर लेयर बनी होती है सेल्यूलोज से। जो प्लांट की, जो पर्टिकुलरली ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है, ग्रीन एल्गी की सेल वॉल की जो इनर लेयर होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज से। और इन ग्रीन एल्गी की जो आउटर लेयर होती है, ये एक केमिकल स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसको बोला जाता है पैक्टोज। तो ये पॉइंट तुम लोग याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि ग्रीन एल्गी की सेल वॉल बनी है, सेल वॉल बनी हुई है, मतलब इनके पास सेल वॉल है, और ये सेल वॉल इनर लेयर बनी हुई है सेल्यूलोज से, और इस सेल वॉल की आउटर लेयर बनी हुई है पैक्टोज से। तो
ये अपना अगला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट अब अपन आते हैं यहाँ पे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो तुम लोगों को मैंने कल ही बताया था कि एल्गे जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन तीन तरीके से कर सकते हैं। क्या क्या तीन तरीके हो सकते हैं? एक हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले अपन बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। जब भी ग्रीन एल्गे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये पर्टिकुलरली एक चीज शो करते हैं, और वो जो चीज होती है उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। मतलब अगर ग्रीन एल्गे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये कौन सी प्रोसेस शो करेंगे? तो ये एक प्रोसेस शो करेंगे जिसको बोला जाएगा फ्रेगमेंटेशन। चलो तो अब अपन अगली प्रॉपर्टी देखेंगे एल्गी की। तो अभी अपन ने देखा कि ये लोग जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले अपन ने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपन ने क्या देखा कि जब भी ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो क्या शो करेंगे? फ्रेगमेंटेशन शो करेंगे। अब अपन देखते हैं यहाँ पे इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जब भी ग्रीन एल्गी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? यहाँ पे स्पोर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्पोर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, स्पोर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे? स्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पोर बनाएंगे। और ये जो स्पोर बनाते हैं उस स्पोर को बोला जाता है फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। ये कौन से स्पोर्स बनाते हैं? फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। इसका मतलब क्या? पहली चीज, ज़ूस्पोर लिखा है तो एक ऐसा स्पोर होगा, ये एक मोटाइल स्पोर होगा। पहली चीज ये तुम लोग को पता हो जाना चाहिए कि मैंने क्या बोला कि जब भी ग्रीन एल्गे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? ये यहाँ पे स्पोर्स बनाते हैं। तो ये जो ग्रीन एल्गे जो स्पोर्स बनाते हैं इस स्पोर्स को बोला जाता है फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। फ्लैजिलेटेड क्यों बोला है? क्योंकि इस स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, और ये इसको मैंने लिखा है ज़ूस्पोर, मतलब एक ऐसा स्पोर होगा, ये एक मोटाइल स्पोर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर है, ये फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसको बोला जाता है ज़ूस्पोरेंगिया। तो अपन लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ज़ूस्पोरेंगिया। चलो तो ये हो गया इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखोगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ये क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ये स्पोर बनाते हैं। ये जो स्पोर बनाते हैं उसको बोला जाता है फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। और अगली चीज, ये जो मोटाइल स्पोर जिनको अपन फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर बोल रहे हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसको बोला जाता है ज़ूस्पोरेंगिया। तो ये हो गया इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब ये लोग करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त ये तीन अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? गमेट बना सकते हैं। कौन से वो तीन अलग अलग तरीके हैं? चलो अपन देखते हैं। तो ये तीन डिफरेंट तरीके से गमेट बना सकते हैं। या तो ये आइसोगैमस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं, या तो ये एनिसोगैमस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं, या फिर ये ऊगैमस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो जब भी बात आती है सेक्सुअल, पहले तो चीजें क्लियर कर लो। अगर मैंने बोला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा? या तो वहां पे फिजन होगा, या फिर फ्रेगमेंटेशन होगा, या फिर रीजनरेशन, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। अगर मैंने बोला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर जो चीज आएगी वो आएगा स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या करेंगे? ये स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। और अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कंप्लीट होता है? जब यहाँ पे क्या बनता है? गमेट्स बनते हैं। जब गमेट्स बनते हैं तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये जो ग्रीन एल्गे होते हैं ये तीन डिफरेंट तरीके से गमेट बना सकते हैं। क्या कौन से तरीके से? या तो ये आइसोगैमस कंडीशन से गमेट बना सकते हैं, या तो एनिसोगैमस कंडीशन से, या फिर ऊगैमस से। आइसोगैमस में क्या होता है? तो मैं लिख दूंगा बोथ गमेट्स आर सिमिलर। तो आइसोगैमेट कैसा होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है यहाँ पे दोनों गमेट कैसे सेम जैसे दिखते हैं, सिमिलर गमेट्स है। एनिसोगैमेट कैसी कंडीशन है? तो बोथ गमेट्स आर डिससिमिलर। तो इस कंडीशन में गमेट जो है वो सिमिलर नहीं होते, अलग अलग दिखते हैं। मेल गमेट अलग दिखता है, फीमेल गमेट अलग दिखता है। देखो आइसोगैमस कंडीशन में मेल गमेट और फीमेल गमेट दोनों गमेट सेम दिखेंगे। एनिसोगैमस कंडीशन में क्या होगा? मेल गमेट अलग दिखेगा, फीमेल गमेट अलग दिखेगा। ऊगैमस कंडीशन में क्या होता है? तो इस ऊगैमस कंडीशन में मेल गमेट जो होता है, जो मेल गमेट होता है, ये गमेट कैसा होता है? ये होता है मोटाइल होता है, और ये कैसा होता है? स्मॉल होता है।
ये पहली चीज। और दूसरी चीज अपन लिख सकते हैं कि इसमें जो फीमेल गमेट होता है, ये फीमेल गमेट जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल के साथ साथ ये कैसा होता है, ये होता है लार्ज। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखना है कि जब भी ग्रीन एल्गे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे तो ये गमेट्स बनाएंगे। ये तीन डिफरेंट वे से या तरीके से ये गमेट बना सकते हैं। क्या क्या वो तीन डिफरेंट तरीके, एक है आइसोगैमस, एक है एनिसोगैमस और एक है ऊगैमस। तो यहाँ पे अपन ने इन लोगों का रिप्रोडक्शन देख लिया है। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गे। तो अगर मैं बात करूं ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल की, तो ग्रीन एल्गे के कुछ एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल, चलो अपन समझते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसे बोला गया है क्लैमेडोमिनोस, एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है क्लैमेडोमिनोस। अगला एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स। फिर एक एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। फिर एक एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। और लास्ट में एक एग्जाम्पल है कारा, कारा। तो सभी लोग ध्यान दोगे ग्रीन एल्गे के कुछ एग्जाम्पल्स है। क्या एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गे के, तो ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल है एक है क्लैमेडोमिनोस, एक है वॉल्वॉक्स, एक है यूलोथ्रिक्स, एक है स्पायरोगायरा और एक है कारा। तो यहाँ पे अपन ने एल्गे की सबसे पहली कैटेगरी कंप्लीट कर ली है जिसको बोला जाता है ग्रीन एल्गे, या फिर ग्रीन एल्गे के बदले इसमें अपन एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको बोला जाता है क्लोरोफाइसे।